अस्सलामुअलैकुम। आज हम तीखे मीठे और तीखे दोनों टाइप के दही वड़े बना रहे हैं, लेकिन इसमें उड़द की दाल नहीं डालते, उड़द की दाल की पकौड़े नहीं डालते हैं। ये बेकरी आइटम जो जीरा बटर होता है, इससे मैं बनाने जा रही हूँ। एकदम झटपट तैयार होता है। इसमें मैंने थोड़े से जीरा बटर के पीसेस लिए। ये पानी मैंने ओवन में गर्म कर दिया है। अब ये जीरा बटर जो निकाला है मैंने, इसको 5 मिनट तक इसमें डिप होने दूँगी ताकि वो फूल जाए। जब तक ये फूलेंगे तब तक मैं अपनी इंग्रेडिएंट बताती हूँ। ये मैंने दो डिश में दही, एक तीखे के लिए एक मीठे के लिए, दही अलग करके रखी है। दही को अच्छे से फेंट लिया है। अब एक में हम ये चीनी डालेंगे। एक दो ढाई चम्मच चीनी डाल देंगे और इसको हम इस तरह मिलाएंगे ताकि चीनी इसमें गल जाए। और इसमें अभी हम कुछ नहीं डालते हैं। इसमें डालने के लिए मैंने ये 4 हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा, 7-8 लहसुन की कलियां, ये पीस लूँगी। फिर इसमें तेल में फ्राई करके फिर इसमें डालूँगी। और इस मीठे दही वड़े के लिए और दोनों के लिए चटनी, इमली लिया है थोड़ी सी, 1 चम्मच मिर्च लिया है, थोड़ा सा फूड कलर लिया है, 1 चम्मच मिर्च, चाहे मोटी मिर्च लें या कुटी हुई लें, और ये 2 चम्मच शक्कर लिया है और थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक लिया है। अब इसकी मैं, जब तक वो फूड, और ये भुना हुआ जीरा है, जीरा रोस्ट करके मैंने पाउडर कर दिया है, और ये धनिया कटी हुई गार्निशिंग के लिए, और नमक तीखे दही वड़े में डालने के लिए। अब मैं ये चटनी बनाती हूँ जब तक दही वड़े फूल जा रहे हैं। बटर फूल जाएगी, हाँ देखिए अब फूल गई है। अब मैं दही चटनी पीसने जा रही हूँ। तेल गरम करके मैंने 1/2 चम्मच तेल लिया है, उसमें ये ये देखिए, इसका मैं इसको इसमें डाल दूंगी, दही के पेस्ट में इसमें डालकर इसमें थोड़ा भुना जीरा डालूंगी और थोड़ी धनिया डालूंगी और थोड़ा नमक डालकर ये तैयार हो गया। अब ये बटर देखिए एकदम फूल चुके हैं। अब मैं इसमें बटर डाल दूंगी, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हम इसे थोड़ा हिला देंगे और 5 मिनट तक इसे सेटल होने देंगे ताकि इसमें भी दही एब्जॉर्ब जाए और टेस्ट अच्छा आने लगे। फिर मैं इस पर धनिया डाल दूंगी और भुना जीरा ऊपर से फिर डाल दूंगी और मिर्च नमक डाल दूंगी। अब ये तीखे दही वड़े तैयार हो गए हैं। इसको मैं साइड कर देती हूँ। अब मीठे दही वड़े के लिए मैंने ये शक्कर दही में डाला था, वो पिघल गया है, शक्कर गल गई है। अब मैं इसमें जो बटर है फूली हुई वो निकाल कर इसमें डालूंगी। इसी तरह से सारे बटर को मैं छान कर इसमें डाल दूंगी। हम इसे हिलाएंगे, देखिए। अब इसमें मैं भुना हुआ जीरा,
भुना जीरा और फिर इसमें थोड़ी सी धनिया गार्निश करूँगी। और ये मीठी चटनी इसमें ऐड करूँगी। इसी तरह तीखे में भी मीठी चटनी ऐड कर दीजिए, थोड़ा चटपटा हो जाएगा। और हमारे अब ये तीखे मीठे दही वड़े तैयार हो गए हैं। दोनों दही वड़े तैयार हो गए हैं, तीखे मीठे 5 मिनट में तैयार।